स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइफन। ये साइफन है क्या, ये कैसे काम करता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, साइफन जो है वो बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा, साइफन बेसिकली एक पाइप है, एक लंबा लॉन्ग बैंड पाइप है, एक लंबा पाइप है मुड़ा हुआ, जिसका यूज किया जाता है कि एक रिजर्वायर यानी एक टैंक से दूसरे टैंक तक वाटर की सप्लाई पहुंचाने के लिए, जिसमें से एक टैंक की ऊंचाई या एलिवेशन ज्यादा होगा, दूसरे टैंक का एलिवेशन कम होगा, और उन दोनों के बीच में अगर कोई पहाड़ी है या कोई ऊंचाई है जिससे वो दोनों टैंक अलग अलग सेपरेटेड है। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक हमारा टैंक है ए, एक टैंक है बी, इन दोनों की जो एलिवेशन है ऊंचाई अलग अलग है, और ये बीच में एक कोई पहाड़ी है या कोई ग्राउंड है जिससे ये सेपरेट है। हमें इधर से इधर वाटर सप्लाई पहुंचानी है, इसके लिए हम एक लंबे मुड़े हुए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम साइफन कहते हैं। तो बेसिकली साइफन इज ए लॉन्ग बैंड पाइप यूज टू कैरिंग वाटर फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर सेपरेटेड बाई ए हाई ग्राउंड और ए हिल। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिए। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम अलग अलग इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो वाटर कॉलम है वो 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम की जो हाइट होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। अब यहां पर जो ये फ्री वाटर सरफेस है, ये जो पाइप है, जो साइफन है, इसका जो ये वाला पॉइंट है जिसको हम समिट बोलते हैं यानी शिखर, ये इससे ऊपर है, तो इस लाइन पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहां का जो प्रेशर होगा इससे कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हो प्रेशर कम होता है। तो ये साइफन देखिए वर्क कैसे करता है। जनरली ये बिल्कुल ऐसे है, अगर आप समझना चाहें तो, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जनरली कुछ लोग क्या करते हैं कि बाइक से पेट्रोल निकालना होता है, या एक भरी हुई बाल्टी में आप पाइप डाल दीजिए, दूसरी साइड से उसको सांस खींचे यानी उसके अंदर की जो हवा है उसको निकाल दीजिए, जिससे वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो वो पानी या वो ऑयल बाहर आने लगता है। तो इसी तरह से हम लोग इसके अंदर की जो एयर है वो निकाल देते हैं, यानी यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, और उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहां से वाटर की सप्लाई होने लगती है दूसरी साइड। अब वैक्यूम कितना क्रिएट किया जा सकता है ये समझ लीजिए। देखिए, आइडियली तो ये 10.3 मीटर है, तो इसके यानी यहां पर परफेक्ट वैक्यूम के केस में आप इसको -10.3 मीटर तक ले जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम ऐसा नहीं करते। एक्चुअल में जो हम करते हैं वो -7.6 मीटर ऑफ जो वैक्यूम रहेगा वो इतना रहेगा, -7.6 मीटर ऑफ वाटर, और इसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 10.3 -7.6 यानी 2.7। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, इतना एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पर होना ही चाहिए 2.7, नहीं तो क्या होगा कि जो वाटर है उसके अंदर जो गैसेस हैं, जो एयर घुली हुई है, वो साइफन में बाहर आके इकट्ठी हो जाएगी, और जो पाइप, जो वाटर का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो मिनिमम जो आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जहां तक आप प्रेशर ले जा सकते हो, -7.6 मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, और इतना आपका यह होना चाहिए। तो ये साइफन है जो जनरली एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर तक वाटर की सप्लाई करता है। आपको मैंने प्रिंसिपल इसमें समझा दिया है, ठीक है। थैंक यू।